रावण वध व पुतला दहन के साक्षी बने एसडीएम लालगंज। प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है। रामलीला में रावण वध और रावण के पुतले का दहन होता है। वो इसलिए कि आने वाली पीढ़ी ये जाने कि बुराई का अंत ऐसे ही होता है, इसलिए बुराई से दूर रहना चाहिए। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। ऐसे ही आजमगढ़ के लालगंज के एक विद्यालय रियो वर्ल्ड एकेडमी में भी रामलीला चल रही थी, जिसमें विद्यालय के छात्रों की बड़ी संख्या थी और छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए या कहें कि एसडीएम लालगंज भी रामलीला में दर्शक के रूप में मौजूद रहे। एक बड़े अधिकारी की उपस्थिति ये दर्शाती है कि कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, सबके जीवन में रामलीला का महत्व है और हमें राम के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए और प्रत्येक परिस्थिति में अच्छाई व सच्चाई के साथ डटे रहना चाहिए। अंत में सच्चाई की ही जीत होगी, चाहे बुराई कितनी भी मजबूत क्यों न हो। रामलीला में बच्चों ने भगवान राम, सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी की आकर्षित प्रस्तुति दी। इस अवसर पर नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष पंचदेव सिंह, प्रधानाचार्य अपर्णा सिंह, डायरेक्टर संतोष सिंह आदि भी उपस्थित थे। संवाददाता दीपक भारती। जिस तरह आज रियो वर्ल्ड एकेडमी में बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, भगवान राम द्वारा रावण का वध किया गया है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, त्यौहार तो हम मनाते हैं, बेहतर है कि हमारे बच्चे त्योहारों के बारे में, संस्कृति के बारे में, जो प्रचलित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके बारे में जाने। और वही प्रयास जो है आज मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। आगे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मुझे क्या संदेश देना है? संदेश जो है वो दशहरा का हमेशा यही रहता है कि बुराइयों को हमें छोड़ना है और जो समाज की नैतिकता है उसको बनाए रखना है।